नेम इज श्रेया गुप्ता एंड आई एम मॉडल, जो कि 2013 में मैंने मॉडलिंग की थी जिसमें मिस क्वीन बनी थी. एंड दिस मूवी सेकेंड मूवी, माई फर्स्ट मूवी इज आई एम नॉट अ किड एंड दिस मूवी इज ईटा द सॉलमेट या. एंड माई कैरेक्टर इज वेरी नाइस गुड एंड वेरी हैप्पी दिस मूवी. एंड वॉट एवर वॉट एंड आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे. माय सेकंड लीड, मेरा लीड सेकंड लीड है और मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है और और बॉलीवुड में कौन सी ऐसी अभिनेत्री जिसको आप आदर्श मानती हैं? जिस बहुत सारे माधुरी दीक्षित. और कारण क्या उसको क्यों मानती हैं? क्योंकि मैं बचपन से उन्हें बहुत लाइक करती हूँ, उनके डांस को लाइक करती हूँ, उनकी एक्टिंग को लाइक करती हूँ और उनको देख के ही मेरे अंदर जो एक अभिनेत्री बनने का शौक जगा, उनको देख के ही मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ और आज भी मैं उनको लाइक करती हूँ. आपने बताया मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फिल्म के किरदार है, डिटेल बता पाएंगे अपने किरदार के बारे में, किस तरह का नाम होगा किरदार का, किस शेड में होगा, क्या वो नेगेटिव होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा? नहीं, एक्चुअली है तो पॉजिटिव ही, बट इतना तो मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है. बस इतना पता है कि मेरा जो रोल है वो सेकेंड लीड का है और बाकी तो सब बाद में पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है. इतना स्क्रिप्ट के बारे में तौर पर किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए? कोई ऐसा किरदार है, बहुत सारा किरदार होता है, स्ट्रॉन्ग रोल होता है, इमोशनल रोल होता है, रोमांटिक रोल होता है, किस तरह का रोल? एक्चुअली मैं इमोशनल ज़्यादा रहती हूँ तो सो मैं चाहूँगी कि इमोशनल ज़्यादा रहे, मेरे कैरेक्टर को सूट भी करता है वो. अदरवाइज जैसा रोल अब आगे जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है. और आखिर चल कौन से एक्टर या डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? कौन सा पसंद है एक्टर आपका, डायरेक्टर कौन सा पसंद है? एक्टर तो मेरा सलमान खान है जिसके साथ मैं काम करना चाहती हूँ और हो सकता है कि थोड़ा टाइम के बाद मैं उनके साथ करूँ भी. बाकी डायरेक्टर तो डेफिनेटली जिनका नाम है उनके साथ करना चाहते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो आगे देखेंगे, बट जो रोल मिला है जहाँ से मैं स्टेप चढ़ रही हूँ वहाँ से आगे बढ़ूँगी तो पता चलेगा कहाँ पर क्या. हाँ, मैं मानती हूँ कि क्योंकि इस लाइन में जाने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ये मुझे बहुत इजीली रोल मिला है, बहुत इजीली काम मिला है और मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी काम करूँ वो बहुत अच्छा करूँ और इस मूवी से मेरा नाम हो. और जो मेरी फर्स्ट मूवी है आई एम नॉट अ किड, जो कि नेक्स्ट मंथ फ्लोर पे जाने वाली है, तो उसमें तो मेरा मेन लीड है और उसकी स्टोरी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है. बाकी आगे देखते हैं क्या होता है. उसे आशीर्वाद दूँ ताकि वो फिल्म लाइन में अपने उन ऊँचाइयों तक पहुँचे जहाँ तक सभी बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग पहुँचते हैं. और मेरा नाम उषा कालजई हुआ, मैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर हूँ और गाने भी मैंने लिखे हैं इस फिल्म की. और वैसे मेरे पति और मेरी बेटी इस फिल्म में मतलब मिलकर के बहुत कुछ आगे काम किया है सबने मिलकर. उन्होंने मेरी बेटी का कुंडली देखा है और बताया कि वो बहुत आगे की तरफ जाएगी और उसमें आर्ट लाइन में उसके बहुत सक्सेस करेगी और सच में वो करेगी. मैं तो उसे हो सकता है कि ऊपर वाले से दुआ करती हूँ, हो सकता है कि मैं खुद देखूं कि हाँ वो ऊंचाइयों तक पहुँचे. तो कौन से अदाकारी का अदाकारों का पसंद करती हैं, किस तरह की अदाकारा बने आपकी बेटी? माधुरी दीक्षित हैं, पूरी जावना है, प्रांजी हैं, आज के दौर में दीपिका पादुकोण हैं, कंगना रनौत. हाँ, तो आजकल की जो वो भी तो आजकल की जनरेशन है तो आजकल के ही जैसे. तो आप किसे पसंद करती हैं?
औरों की बात अलग है, मेरी बेटी जब खुद में हम उसको पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से ही बात करें औरों की तो बात अलग ही है ना। तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग या जो गाना लिखते हैं वो सिर्फ अपने हस्बैंड के प्रोडक्शन हाउस लेते हैं किसी और? नहीं, इसी से बाहर की मैं काम नहीं करती हूँ ना, और किसी के यहाँ मैं प्रोडक्शन में काम करती हूँ ना, और बाहर में मैं कहीं जॉब करती हूँ। जो करना है सुबह मैंने अपने घर का ये काम करती हूँ और अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के लिए काम करती हूँ। थैंक यू। मुझे जगह नहीं भेजा लो। मतलब बिचू हम लोग तो बचपन से सुधरे हैं। हो गया बहुत अच्छा। दो तीन पोज दो ना बड़े। अच्छा अच्छा लुक हियर। Yes, here we go. All right. So here we are talking about the all new handset that